Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hi, a very good evening everyone, and yes, in this session we are again going to discuss few multiple choice questions related to a general awareness जो कि आपके एच एल के एग्जामिनेशन के लिए क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट है. ठीक है भाई, तो सबसे पहले अभी जो भी बच्चे लाइव हैं मुझे बता दें, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, सो दैट शार्प 6:30 से हम लोग अपना सेशन जो है उसको शुरू करेंगे. राइट बच्चों, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, एम आई विजिबल? हाँ जी भाई, चलिए इट्स ऑलरेडी 6:30, हम लोग अपना सेशन जो है उसको शुरू करते हैं. राइट, सो चलिए भाई, गुड लक एवरीवन. क्वेश्चन नंबर वन ऑफ टुडेज सेशन इज, जस्ट अ सेकेंड, यस बताओ भाई, यस, सो वेयर वॉज द कन्वेंशन COP13 ऑर्गेनाइज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ. जरा मुझे ये बता दीजिए कि वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन COP13 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजकोट, गांधीनगर, जयपुर, जोधपुर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हाँ जी भाई, थैंक यू राहुल बताने के लिए, कहाँ पर आयोजन किया गया था COP13 का आपका? द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, गांधीनगर इज द राइट आंसर भाई. ठीक है, सो गांधीनगर जो है वो आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया. सो COP13 जो है बच्चों आपका किस चीज़ के लिए? कंजर्वेशन, जो माइग्रेटरी स्पीशीज की जितनी भी आपकी जो वैरायटी होती है उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ऑर्गेनाइज की गई थी, और वहाँ पे आपका गांधीनगर डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था, और पहली बार इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी की बात की गई थी. इसके अलावा मैं आपको बता दूं, CMS जो कि आपका कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज का जो ये कन्वेंशन है, ये 1979 में आपका अडॉप्ट किया गया था, और इसको बॉन कन्वेंशन भी बोला जाता है. करेंटली इट हैज़ 130 पार्टीज. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, ये बताएं द फिफ्थ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम ज्वाइंट मीटिंग वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुई थी ये मीटिंग? पांचवा भारत जापान अधिनियम पूर्व फोरम संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बताएं भाई बच्चों, बच्चों दिस इज फॉर HAAL, है ना, HAAL के लिए है ये, राइट? हाँ, सो नमन दिस इज फॉर HAAL. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली. ठीक है बच्चों, सो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर. तो आपकी जो ये मीटिंग कह लो, फोरम कह लो, जो भी ये ज्वाइंट मीटिंग आपकी कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है. चलिए भाई, सो बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात हुई? कोलैबोरेशन किया जाएगा हेल्थ केयर पे, एग्रो इंडस्ट्रीज और स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए. अगर मैं आपके एक्ट ईस्ट फोरम की बात करूँ, 2017 में इसको बनाया गया था, इंडिया जापान स्पेशली आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए. चलिए बच्चों आगे आगे बात करते हैं. नेक्स्ट, ये बताएं भाई, वट वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली? दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था? जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन थ्रू एनफोर्सिएबल वर्ल्ड लॉ एंड इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस, इफ यू वॉन्ट पीस एंड डेवलपमेंट, वर्क फॉर सोशल जस्टिस एंड डिजिटल जुडिशरी एंड द वर्ल्ड. बता दो भाई जल्दी से, थीम क्या थी? थीम जो है वो पूछी जाती है जनरली पेपर में और हमको ध्यान रखनी भी चाहिए है. द करेक्ट आंसर इज, जस्ट अ सेकेंड, यस बहुत बढ़िया भाई, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड. ठीक है भाई, कब हुई थी आपकी? 22 फरवरी 2020 को. ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम लोग. ओम प्रकाश HAAL में है, ठीक है, उसके लिए सेशन है ये. नाउ द प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल सबमिट 2021 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कहाँ पर आपकी ये जो सबमिट है बच्चों, कौन सी प्रारंभ सबमिट 2021 इसका आयोजन हुआ था? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु? बता दो भाई जल्दी से, कहाँ आयोजन किया गया था इसका? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हाँ जी भाई, द प्रारंभ स्टार्टअप, हाँ जी कहाँ, सभी चेक करते हैं बच्चों, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर. ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली जो है वो इसका भी सही जवाब वही है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है.
सो बेसिकली प्रारंभ की अगर बात किया जाए तो इसमें किन लोगों को सामने लाने की बात की जा रही है, दी वर्ल्ड्स मोस्ट रेलेवेंट डिसीजन मेकर्स, चाहे वो बिजनेस हो, एकेडमिक्स हो, इन्वेस्टर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो या और किसी फील्ड में हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट ये बताओ, अकॉर्डिंग टू द क्लीनिनेस सर्वे द क्लीनेस्ट इंडियन सिटी इज, स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वच्छ भारतीय शहर कौन सा है? इंदौर, पटना, चेन्नई, कोलकाता। द करेक्ट आंसर इज, भाई कौन सा शहर है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, लेट मी चेक, यस इंदौर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की अगर मैं बात करूं तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मतलब द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई थी। ठीक है बच्चों, इंदौर नंबर वन रहा, सेकंड सूरत एंड थर्ड वाज नवी मुंबई। चलिए भाई नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड। इंडिया वाज रैंक्ड डैश आउट ऑफ 98 कंट्रीज इन द न्यू कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय लोई इंस्टीट्यूट बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ये बताएं भाई आपकी क्या बोला जाए भाई, ऑस्ट्रेलिया में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किए गए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक आई है? 86, 90, 57, 79, कौन सी रैंक है बच्चों? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 86। बहुत बढ़िया जयप्रकाश, वेरी गुड। सो 86 रैंक आई है बच्चों। टॉप थ्री कंट्रीज कौन सी है? न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ ये बता दो मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट फार्मर फ्रेंडली स्टेट बाय द नीति आयोग। निम्नलिखित राज्यों में से किसे नीति आयोग द्वारा सबसे अधिक किसान हितैषी राज्य का दर्जा दिया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। बताओ भाई जल्दी से, किसको दिया गया है सबसे ज्यादा किसान हितैषी राज्य का दर्जा? ऐसा नहीं कि सब अपने अपने स्टेट का नाम दे रहे हैं ना बच्चों। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर इज बच्चों महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो महाराष्ट्र को बोला गया है सबसे ज्यादा आपका फार्मर फ्रेंडली। ठीक है, नीति आयोग ने महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक आपका दिया है, राइट। चलिए भाई, यस एंड नेक्स्ट ये बताओ, द फ्रेज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वॉज फर्स्ट कॉइंड इन, सकल राष्ट्रीय खुशी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश के द्वारा किया गया था? इंडिया, स्वीडन, न्यूजीलैंड या फिर भूटान, किसके द्वारा किया गया था बच्चों? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हां जी, किसके द्वारा किया गया था? जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी भाई ये तो सभी को पता होगा। अरे बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर तो गड़बड़ बिल्कुल मत करना, द करेक्ट आंसर इज भूटान, GNH का, यस। बहुत बढ़िया राहुल, वेरी गुड। ठीक है, सो भूटान से ये कॉन्सेप्ट जो है वो आया है आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। ठीक है, कब? 1972 में वहाँ के जो चौथे किंग थे भूटान के, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था कि भाई जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ना किसी भी देश के लिए, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपका कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी बात भी आपकी की जाती है कि भाई हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट ये बताओ, आइडेंटिफाई द एयरलाइन दैट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक सह उद्यम एयरलाइन की पहचान कीजिए। विस्तारा, एयर पेगोस या फिर एयर एशिया या फिर टर्बोजेट एयरवेज, कौन सी है भाई? द करेक्ट आंसर इज, बहुत बढ़िया भाई, सो विस्तारा इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए तो कब आपकी विस्तारा एयरलाइन की मैं बात करूं तो 2013 में इट वाज फाउंडेड। ठीक है भाई, और डोमेस्टिक एयरलाइन है आपकी। चलिए नेक्स्ट ये बताएं, इन फरवरी 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विद IISc टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रमोट द एडवांस रिसर्च। बताओ भाई किसने, HAL, DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इसरो? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बताओ भाई किसने साइन किया है MOU?
आई एम सो सॉरी बच्चों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, डीआरडीओ। जरूरी नहीं हम लोग एचएएल के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन में अगर एचएएल हो तो वही सही आंसर हो, ठीक है। हाँ जी, सो डीआरडीओ इज द राइट आंसर। चलिए भाई, सो ये तो सीधा सीधा है, आपको पता लग ही गया। नेक्स्ट, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, किसको जो है जुलाई 2020 में भारत का महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तुषार मेहता, एन वेंकटरमन, बलबीर सिंह या फिर आर एस सूरी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बताओ भाई, किसको रीअपॉइंट किया गया, ये बात पे ध्यान देना है आप लोगों को। द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर वन, तुषार मेहता, ठीक है, उनको सॉलिसिटर जनरल आपका, ठीक है। के वेणुगोपाल की बात की जाए तो वो अटॉर्नी जनरल है ना, और जो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है बच्चों, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का आफ्टर द अटॉर्नी जनरल, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट ये बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बताओ भाई, उषा पाड़े, दुर्गा शक्ति नागपाल, अरुणा सुंदराजन या फिर अर्चना रामासुंदरम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कौन है भाई, कौन निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला है? द करेक्ट आंसर इज उषा पाड़े इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो सीधा सीधा सा मतलब क्या बोला जाए आपको, याद रखना है, ठीक है भाई। सो 1996 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं फ्रॉम दी उड़ीसा कैडर। चलिए नेक्स्ट, ये बताओ, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द स्कॉलरशिप अंडर प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम ₹5,000 पर एनम टू ₹ पर एनम, कितना बताएं भाई जल्दी से, 66,000, 80,000, 50,000 या फिर 45,000। द करेक्ट आंसर इज, हाँ जी, छात्रवृत्ति कितनी बढ़ा दी गई है ₹5,000 से प्रतिवर्ष, देख लेते हैं बच्चों। द करेक्ट आंसर 50,000 है ना, 50,000 इज द राइट आंसर, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, ये बताओ भाई, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वॉज लॉन्च टू क्विकली हेल्प द ऑप्रेस्ड वुमेन ऑफ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक एंड अदर वायलेंस, घरेलू और अन्य हिंसा की शिकार पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? वन स्टॉप सेंटर, आपका मनोधराय योजना, प्रोविजन ऑफ निर्भया फंड या स्टार्टेड द स्कीम ऑफ स्वाधार गृह योजना। बताओ भाई जल्दी से, कौन सी स्कीम जो है वो शुरू की गई है बच्चों? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बच्चों वन स्टॉप सेंटर वॉज इस्टेब्लिश, तो थोड़ा सा फीमेल सेंट्रिक चीज़ों पे ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसको सखी भी बोला जाता है, 1 अप्रैल 2015 से इस तरीके के सेंटर्स जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया था अक्रॉस द कंट्री, सो दैट फीमेल्स को, चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक स्पेसेस दोनों में कहीं भी काम कर रही हूँ, अगर वायलेंस उनके अगेंस्ट होती है तो ईजिली वहाँ पर उनको सपोर्ट और असिस्टेंस आपका जो है प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। मनोधैर्य स्कीम जो है, इट इज़ फॉर द विक्टिम्स ऑफ रेप एंड एसिड अटैक्स, ठीक है भाई। और निर्भया फंड की अगर बात की जाए तो 2013 में बनाया गया था, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सेफ्टी। और स्वाधार गृह योजना की बात करूं तो इट इज द मतलब क्या बोला जाए, स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है भाई, जो कि ऐसी फीमेल्स को टारगेट किया जा रहा है जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में रहती हैं, सो दैट उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए फॉर देयर रिहैब, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, Employment and Unemployment Surveys are conducted by which of the following organization? बताओ भाई, आपका रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? National Sample Survey Office, Archaeological Survey of India, Indian Institute of Surveying and Mapping या फिर आपका Development and Research Services? The correct answer of this question is, बताएं भाई बच्चों जल्दी से, हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है बच्चों? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। सो आपका बेसिकली ये तीन कैटेगरीज में पॉपुलेशन को डिवाइड कर देती है,
एंड उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन जो है वो की जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। बहुत बढ़िया भाई, ये बताएं, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द कवरेज इन एरियाज ऑफ लो न्यूट्रिशन, डिजिटाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, एजुकेशन। बताओ भाई किस चीज के लिए आपकी ये मिशन इंद्रधनुष जो है 2.0 को लॉन्च किया गया है। द करेक्ट आंसर इज हाँ जी बच्चों, किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, रिपीट हुआ ये सवाल तो, है ना बच्चों। बहुत बड़े इम्यूनाइजेशन के लिए। चलिए, सो यस, ये बेसिकली दो जो 2.0 वाला जो मिशन है बच्चों 2018 में इसको फिर से लॉन्च किया गया था टू इम्यूनाइज दी चिल्ड्रन जो कि 2 साल से कम है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगेंस्ट 8 आपकी जो बीमारियां हैं उनकी बात की गई थी। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियों की बात की गई थी, पोलियो, डिप्थीरिया, मीजल्स, वूफिंग कफ, टीबी, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, मेनिनजाइटिस, रुबेला, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड निमोनिया, इन 8ों के खिलाफ वैक्सीनेशन की बात की गई थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। ये बताओ आप, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत लॉन्च्ड पूरा काम पूरा दाम कैंपेन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, सांझा अभियान, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मनरेगा या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हां जी भाई, द करेक्ट आंसर इज हां जी बच्चों, चलिए मैं बताती हूँ आपको, है ना, मनरेगा के तहत लॉन्च किया गया है इसको। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट। डैश ऑफ इंडिया बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स, कौन भाई, नितिन मेनन, सुधीर असनानी, सुब्रत बनर्जी या फिर निलय दत्त। बताओ भाई, क्रिकेट खेलने वाला हूँ, बताएं जल्दी से कौन जो है शामिल हुए हैं आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर इज नितिन मेनन, है ना, नितिन मेनन जो है बच्चों वो उनको आपका इंक्लूड किया गया है। चलिए भाई, ये थर्ड एम्पायर हैं इंडिया से जो कि इस पैनल में आपके इंक्लूड किए गए हैं, इनके अलावा आपके एस वेंकट राघवन और सुंदरम रवि, है ना, इन दोनों को आपका जो है इंक्लूड किया गया था। चलिए भाई नेक्स्ट, द इन टेनिस हु वन द एटीपी टूर फाइनल्स इन नवंबर 2020, कौन जीता भाई एटीपी टूर फाइनल, राफेल नडाल, डोमिनिक थियम, वेस्ली कुलहोफ या फिर डेनिल मैन मेदवेदेव। बताओ भाई किसने जीता, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई हाँ जी, सो जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, सो आपका डेनिल मेनवेदेव इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, मैं आपका 2 मिनट बच्चों बस स्लाइड चेंज कर ली जाए जरा। हाँ जी, सो विच फुटबॉल टीम वन द आई लीग 2019 एंड 2020, बताओ भाई किसने जीता, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, इजोल एफसी या फिर सलगांवकर एफसी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज किसने जीता, मैं बता देती हूँ बच्चों, द करेक्ट आंसर इज मोहन बगान, है ना, सो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चलिए इसी बीच आपको कंफर्मेशन दी जाए, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वॉन्ट टू बाई एनी कोर्स ऑन टेस्ट बुक यू कैन यूज दिस कोड, दिस इज हीना के, है ना, एंड यू विल गेट 20% इंस्टेंट ऑफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बताओ आई एस डब्ल्यू एम स्टैंड फॉर, द करेक्ट आंसर इज, अब आप ये खुद पढ़ेंगे भाई, बहुत ऑप्शन जो है ना वो बड़े बड़े हैं।
हाँ जी बच्चों, फुल फॉर्म क्या है आपका ISWM का? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड हिमांशु, है ना? सो दिस इज द करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, क्या है बेसिकली? वेस्ट प्रिवेंशन रिसाइकलिंग कंपोस्टिंग डिस्पोजल प्रोग्राम, ठीक है भाई? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया साइंड द ट्रीटी क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, व्हाट डज इट मीन? बताओ भाई किस चीज से जुड़ी हुई है? इट एम्स टू कॉम्बैट द ऑनलाइन टेररिज्म, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू मनी लॉन्ड्रिंग, इट एम्स टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन, और इट कॉल्स फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। बताए भाई जल्दी से। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है काफी टाइम तक, बता दो भाई। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया युगल, वेरी गुड। चलिए भाई, सो इट इज रिलेटेड टू आपका ऑनलाइन टेररिज्म, एंड ये इनिशिएटिव जो है भाई आपका कहाँ से शुरू हुआ? इट वाज नेम्ड आफ्टर न्यूजीलैंड में जहाँ पे 51 लोगों को एक अटैक मॉस्क पे किया गया था, वहां पे, ठीक है, वहां से शुरुआत की गई, ठीक है भाई? तो बात की गई इसमें ऑनलाइन टेररिज्म के बारे में बात की जाएगी, राइट? सो इट सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन है, ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, किस ग्रह में चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है? मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। बताओ भाई ज्योग्राफी, हाँ जी ज्योग्राफी वालों जल्दी से बता दो, किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बच्चों सैटर्न इज द राइट आंसर, ठीक है? सो सैटर्न जो है भाई आपके टोटल 82 है, जुपिटर के जो है 79 है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया युगल, वेरी गुड, वेरी गुड जयप्रकाश। नाउ यस, दिस ये बताओ, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू गेट कनेक्टेड टू द हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क? बताओ भाई, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, विदिशा ऑफ MP, इदुक्की ऑफ केरला, पूना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बताओ भाई कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है पहला बन गया है भारत में टू गेट कनेक्टेड टू द हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क? सबको पता होना चाहिए ये तो, है ना? इजीली गेस भी किया जा सकता है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। बहुत बढ़िया उज्ज्वला, बहुत बढ़िया भाई, ठीक। सो एंड कौन सी जो नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क जो है प्लान आपका एक तरीके से, वहां पे केरला, इदुक्की जो है वो केरला का डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है भाई, और पहला बन गया है। नेक्स्ट, हाँ जी भाई, हरसिमरत कौर बादल वॉज द इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री की कैबिनेट, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा पोर्टफोलियो हैंडल करती थी ये? HRD, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर एंड जस्ट अ सेकेंड या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? बताओ भाई कौन सा पोर्टफोलियो था इनके पास में? हाँ जी बहुत बढ़िया उज्ज्वला, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज था बच्चों इनके पास, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, ये बताओ, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आजाद? बताओ भाई जल्दी से, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, बहुत बढ़िया भाई, है ना? सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मौलाना अबुल कलाम वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है भाई? और हाँ चल, ये तो सबको ही आता था क्लास में, है ना? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब बताएं, सो ही हु वॉज अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिहाब Which was set up on 6th September 1947? ये बताओ भाई, SP मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे एल नेहरू, या फिर KC नियोगी? पुनर्वास मंत्रालय का मंत्री किसे नियुक्त किया गया था 1947 में? हाँ जी भाई, द करेक्ट आंसर इज, साथ के साथ आप लोग सेशन को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, मतलब मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, हाँ हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज बच्चों KC नियोगी इज द राइट आंसर, ठीक है?
ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। केसी नहीं होगी, क्षितिज आपका चंद्र नहीं होगी, वो आपके वेस्ट बंगाल से इंडियन पॉलिटिशियन थे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ रिहाब का मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया था। चलिए नेक्स्ट, ये बताओ भाई, द सेंट्रल जू अथॉरिटी अकॉर्डेड द रिकॉग्निशन टू टू न्यू जूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भाई बताओ कहाँ जू बना दिए गए थे, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बताओ भाई जल्दी से। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कहाँ बना दिए दो नए जू, चिड़ियाघर, बचपन में सब जाते ही होंगे हर वीकेंड, है ना, बचपन में तो यही काम होता था। द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज द राइट आंसर। जस्ट अ सेकेंड, यस, कहाँ कहाँ पे, नालंदा इन बिहार एंड गोरखपुर, शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर सिविल कोड कम्स इनटू फोर्स ऑन January 1, 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, यूएसए, नन ऑफ द अबव, बताओ भाई कहाँ पे सबसे पहली बार आपका सिविल कोड जो है इट केम इनटू फोर्स, बताएं भारत, चाइना या संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताएं बच्चों जल्दी से। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बच्चों चाइना इज द राइट आंसर, ठीक है, सो चाइना इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये बताओ Which activity has been declared as mental disorder by WHO? Excess use of mobile, oversleeping, impaired control over gaming on mobile या फिर overeating? ये बताओ भाई जल्दी से कि किस चीज को mental disorder जो है वो बोला गया है WHO के द्वारा, किस गतिविधि को मानसिक विकार के रूप में घोषित किया गया है? This is important. इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल एंड बिल्कुल ये जो पबजी की वजह से ही होगा, है ना। चलिए भाई जस्ट अ सेकेंड, 2 मिनट सुनिएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो ओवर गेमिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मेंटल डिसऑर्डर, ओवर गेमिंग, राइट, बाय WHO। चलिए रिसेंटली सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव वॉज इन न्यूज, विच कंट्री प्रपोज इट, किसने बनाया भाई ये आपका, यूएसए, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हाँ जी भाई, अच्छा चलिए ओवर गेमिंग, चलिए इस वाले क्वेश्चन से रुकिए, चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ पहले वाला सवाल, लाइए बच्चों। सो ओवर गेमिंग को जो है डिक्लेयर किया गया है एज अ मेंटल डिसऑर्डर बाय WHO, ठीक है भाई। अब इसको कहाँ इंक्लूड किया गया है, इन द 11th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है। सो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस क्या है बच्चों, एक स्टैंडर्ड डिजीज कोडिंग स्टैटिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि सारी जो बीमारियां वगैरह होती हैं उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपकी रखी जाती है, जो कि जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं आपके डॉक्टर वगैरह उनके साथ आपकी शेयर की जाती है, तो उसमें अब आपका ओवर गेमिंग जो है ना उसको इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है भाई। चलिए ना ये बताओ, हाँ, सो रिसेंटली द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव वॉज इन न्यूज, किस कंट्री ने इसको प्रपोज किया, यूएसए, ब्रिटेन, जापान या जर्मनी, किसने भाई, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बता दो बच्चों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, मैं बता देती हूँ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जापान इज द राइट आंसर, ठीक है। सो जापान ने इसको बोला कि बनाना है, और क्या है बच्चों एक तरीके से देखो आइडिया जापान ने दिया, बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ दो अलग पार्टनर्स हैं जो कलेक्टिवली इस चीज़ में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या चीज़ की जाएगी इसमें, एक अप्रोच बनाई जा रही है जिसमें कि एक जो देश होगा वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई जो है उसको इंश्योर करेगा, ठीक है भाई, बाकी जो देश हैं उनके साथ मिलके, ठीक है भाई। चलिए राइट नेक्स्ट, ये बताएं रिसेंटली योर हाइपेनिया इंडिका और हाइपेनिया बुलाटा दीज टू न्यू स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड, भाई किस चीज की है ये, कोरल, सीवी, टोड या स्पाइडर, बताओ जल्दी से। एट टाइम्स ऐसे नाम आपके देखे पूछ लिया जाता है कि ये जो है किस चीज की स्पीशीज है, बताओ भाई मूंगा है, समुद्री सिवार है, मेंढक या मकड़ी, द करेक्ट आंसर इज सीवीड इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों।
तो ये दोनों की दोनों आपकी क्या है, सीवीड है ना। सो जो हाइपीनिया इंडिका जो है वो आपकी तमिलनाडु में पाई गई है, और जो दूसरी वाली है आपकी वो कर्नाटका और दीव, दमन एंड दीव वाली दीव आइलैंड में आपकी पाई गई है। चलिए भाई, एंड अगर सीवीड की बात करूँ या सीवीड फार्मिंग की मैं आपकी बात करूँ ना, तो 2021 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला भाई कि मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनाया जाएगा कहाँ पे, तमिलनाडु में, ताकि सीवीड फार्मिंग जो है ना वो उसको क्या प्रमोट किया जा सके। अब किस चीज़ की फार्मिंग होगी इसमें, सीवीड में बेसिकली दे विल टॉक अबाउट योर मरीन एल्गी और प्लांट, ठीक है बच्चों। और इनको कहाँ पे, समुद्र में या मतलब ना रिवर्स वगैरह में, वहां पे आपका उगाया जाएगा। अब समझ गए सारे के सारे, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, ये बताओ विच अमंग द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी है, INS शिशु कुमार, INS शल की, INS चक्र या INS सिंधुवे, बताएं भाई जल्दी से द करेक्ट आंसर इज। हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज बच्चों INS चक्र इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इंडिया ने लीज पे ली थी रशिया से कब, 2012 में, 10 साल के लिए। चलिए, सो 190 मेगावाट जो है, इट इज प्रोपेल्ड बाय 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये बता दो मालाबार 2020 किस किसने पार्टिसिपेट किया था, जल्दी से बता दे भाई, मालाबार 2020 में, आई एम सो सॉरी, किस किसने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, यूएस, जापान, फ्रांस, इंडिया, जापान, फ्रांस, रशिया, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंडिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, द करेक्ट आंसर इज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक। सो इनको जो आपकी ये जो चारों कंट्रीज हैं, इन्होंने आपका क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2020 में आपका क्या किया बच्चों, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये बताओ विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द हैंसन्स डिजीज, इज अ लॉन्ग टर्म बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, किसको जो है हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, निमोनिया को रो, या ब्रुसेलोसिस को, या फिर वूफिंग का कफ को, या फिर लेप्रोसी को, बताओ भाई जल्दी से। हैंसन्स डिजीज, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज। द करेक्ट आंसर इज, मैं बता देती हूँ बच्चों, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज लेप्रोसी, ठीक। सो लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज भी आपका बोला जाता है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया माइको बैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ही इसको, मतलब ये इन्फेक्शियस जो डिजीज है हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है, डिसफिगरिंग कलर सोर्स, मतलब ना आर्म्स, लेग्स, स्किन एरियाज जो हैं उसको आपके पैचेस टाइप के बन जाते हैं, ठीक है भाई। राइट, चलिए जस्ट अ सेकेंड, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हॉर्मोन, FSH, या फिर ऑक्सीटोसिन, बताएं भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्मोन जो है वो अग्रपीयूष ग्रंथि से उत्पन्न उत्पन्न नहीं होता है, द करेक्ट आंसर इज, बताओ भाई। मैं बता देती हूँ बच्चों, ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ये जो हार्मोन है इसको फीमेल या लव हार्मोन भी बोला जाता है, बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट ऑल्सो ट्रिगर्स द फीलिंग ऑफ लव, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, ये बताओ व्हाट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड, ड्यूटेरियम, रेडियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, बताओ भाई जल्दी से। हाइड्रोजन के रेडियोथर्मी आइसोटोप को क्या कहा जाता है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज। द करेक्ट आंसर इज ट्राइटियम इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। सो ट्राइटियम जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 12.32 ईयर्स, ठीक है। बीटा एमिटिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, किसका, हाइड्रोजन का, और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं,
मेकिंग इट थ्री टाइम्स एज हैवी एज आर हाइड्रोजन न्यूक्लियस. ठीक है, ड्यूटेरियम में क्या होता है, दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं आपके हाइड्रोजन के, रेडियम तो केमिकल एलिमेंट है, प्रोटियम जो है वो क्या है, वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन एंड विद नो न्यूट्रॉन्स. चलिए भाई, यस बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टॉर्क या टाइम. कौन सी जो है इनमें से स्केलर क्वांटिटी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है, बताएं भाई. टॉर्क इज द राइट आंसर. हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई. ठीक है बच्चों, सो टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस. ठीक है भाई, चलिए. सो टॉर्क क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इट नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, बताओ भाई ऑस्मोसिस जो है वो क्या होती है. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑस्मोसिस क्या है, आप लोग खुद ही ऑप्शन जो है उनको पढ़ेंगे. मैं बता देती हूँ बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, द करेक्ट आंसर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल यही आपका जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का है ना, वाटर मूव्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट टू द एरियाज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट. ये बताओ व्हाट डज एब्जॉर्प्शन मीन इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में अवशोषण का क्या अर्थ है. टोटल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, टोटल डिस्पोजेबल सेविंग्स, द सेविंग्स ऑफ ऑल मेजर इंडस्ट्रीज इन पब्लिक बैंक्स, या फिर टोटल डोमेस्टिक स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन. बताओ भाई जल्दी से, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है. द करेक्ट आंसर इज आपका टोटल डोमेस्टिक स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, दिस इज द मीनिंग ऑफ योर एब्जॉर्प्शन. ठीक है भाई, बता देती हूँ मैं आपको, एब्जॉर्प्शन सिंपल सी बात है, द टोटल लेवल ऑफ स्पेंडिंग, राइट. ठीक है, सो बेसिकली किस चीज के बारे में बताता है हमें एब्जॉर्प्शन आपका, कि टोटल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन बाय द पीपल इन एन इकोनॉमी रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कहाँ से गुड्स आ रहे हैं, सर्विसेज आ रही हैं, हमें मतलब नहीं है, पर द टोटल अमाउंट जो कि कंज्यूम किया गया, अल्टीमेटली जो कि एब्जॉर्ब आपका किया गया. ठीक है, 1952 में सिडनी अलेक्जेंडर के द्वारा ये जो टर्म है एब्जॉर्प्शन, इसको पहली बार यूज आपका किया गया था, एक डिस्कशन हो रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे आपका उसमें. ठीक है, चलिए ये बता दो, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्ट, पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर नेशनल सोलर मिशन. किस चीज से जुड़ा हुआ आपका है, आपका क्या बच्चों, ब्लैक रिवॉल्यूशन, बताएं भाई काली क्रांति किससे संबंधित है. बहुत बढ़िया, पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल. ठीक है भाई, सो आपकी ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है वो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से मिला है, ब्लू फिश वगैरह से, ब्राउन लेदर या कोकोआ आपका, राइट. हाँ जी, बहुत बढ़िया. ये बताओ व्हाट आर लीना एंड क्लोथो, क्या है लीना एंड क्लोथो, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मून है यूरेनस के, या फिर मून है सैटर्न के, बताओ भाई लीना क्लोथो, द करेक्ट आंसर इज. बच्चों एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, सो लीना और क्लोथो आपके एस्टेरॉइड्स हैं, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में आपके घूम रहे थे, कहाँ पे, मार्स और जुपिटर के बीच में. ठीक है भाई, चलिए एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इररेगुलर ऑब्जेक्ट आपके होते हैं. ठीक है, चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बताओ विच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स डज नॉट हैव सवाना ग्रासलैंड, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे सवाना घास के मैदान जो है वो नहीं पाए जाते हैं, किस महाद्वीप पे, बता दो भाई. कहाँ नहीं पाए जाते हैं, और जिस किसी ने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक कर दे.
द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, मैं बता देती हूँ बच्चों, यूरोप में है ना. सो यूरोप इज द राइट आंसर. ठीक है, सवाना ग्रासलैंड क्या होते हैं जिसमें इंडिविजुअल ट्रीज होती है, दूर दूर तक आपकी कैसी होती है, स्कैटर्ड होती है. तो अफ्रीका में ज्यादातर आपका पाया जाता है, और कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और काफी हद तक बच्चों कहाँ पे, इंडिया में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ये बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स इज जनरली ड्राउट टॉलरेंट, टुंड्रा, टाइगा, सवाना या फिर टेम्परेट डेसिडुअस बायोम. बताओ भाई जल्दी से. हाँ जी, कौन सा बायोम जो है आमतौर पर सूखा और सहिष्णु होता है. द करेक्ट आंसर इज, बच्चों टेम्परेट डेसिडुअस बायोम इज द राइट आंसर. ज्योग्राफी के क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़े से टफ लग रहे होंगे आप लोगों को. ठीक है, तो टेम्परेट डेसिडुअस बायोम में आपका क्या होता है, पेड़ होते हैं जिनकी छोटी छोटी और चौड़ी पत्तियां होती हैं, विद दी स्मॉल एंड ब्रॉड लीव्स एंड देयर वाइडली स्पेस्ड. ठीक है, एंड देयर वेरी टॉल. ठीक, तो वहां पे क्या होता है, दे रीजन्स हैविंग एडिक्वेट रेनफॉल एंड लो ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज, ज्यादातर कौन से, ओक्स आपके यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए. तो जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे बायोम होते हैं और ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे चार प्रॉपर सीजन आपके होते हैं. कौन कौन सा, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन और फॉल सीजन आपका, राइट. चलिए, सो दे आर आपका क्या, ड्राउट टॉलरेंट, आपको ये याद कर लो. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ कैग, 6 years tenure not fixed, 5 years or 4 years. बताओ भाई, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है, वो कार्यकाल जो है वो कितने समय का होता है. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हाँ जी कार्यकाल बताएं भाई, 6 years इज द राइट आंसर. राइट, सो बेसिकली इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड आर्टिकल 148. It talks about the CAG. It is the Supreme Audit Institution of India. Appointment किसके द्वारा होता है, President of India के द्वारा होता है. And tenure is 6 years or up to the age of 65 years. And he or she can be removed by the President on the same grounds and in the same manner as a judge of Supreme Court. ठीक है भाई, चलिए. Next, if the panchayat is dissolved, then the election must be held within the time period of 3 months, 6 months, 1 month, 1 year. बताओ भाई जल्दी से, the correct answer of this question is, if the panchayat is dissolved, then the election must be held. बहुत बढ़िया युगल, very good. ठीक है, तो ये तो पता ही है सबको, अच्छी बात है, 6 महीने में हो जाना चाहिए. ठीक, चलिए next. ये बताओ, द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज सिक्स्थ, किंग एडवर्ड सेवेंथ या फिर आपके नन ऑफ दीज. बताएं भाई जल्दी से, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट जो है वो कौन थे बच्चों. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, मैं बता देती हूँ बच्चों, जॉर्ज सिक्स्थ इज द राइट आंसर. ठीक है, सो अब सीधा भाई इसको तो याद ही कर लो आप लोग. चलिए नेक्स्ट, दिस, ये बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द नॉवल इन कस्टडी. ये बताओ भाई जल्दी से, जॉन मोरिस, मुल्कराज आनंद या पी लाल या अनीता देसाई, किसने लिखी है भाई इन कस्टडी. क्लास टाइमिंग्स डेली 6:30 PM है ना, एंड टिल 7:15, राइट, 6:30 to 7:15. नाउ द करेक्ट आंसर इज, अनिता देसाई इज द राइट आंसर. राइट, तो इन्होंने आपकी नॉवल लिखी हुई है इन कस्टडी. राइट, चलिए भाई, सो द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन इज, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 वॉज इनएक्टेड ड्यू टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला कारखाना अधिनियम 1881 वाला क्यों पारित किया गया था. बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ब्रिटेन, डिमांड ऑफ इंडियन पीस एजेंट या फिर डिमांड ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर्स. बताओ भाई जल्दी से, द करेक्ट आंसर इज, कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ब्रिटेन इज द राइट आंसर. ठीक है भाई,
इसमें क्या बोला गया था, ताकि जो चिल्ड्रन और जो वुमेन है उनको थोड़े से हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स उनको प्रोवाइड आपके किए जाएं, ठीक है भाई, और छुट्टी वगैरह दी जाए, प्रॉपर फेंसिंग हो मशीनरी की, ठीक, और रेस्ट वगैरह करने के लिए भी उनको टाइम दिया जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज द सांची स्तूप वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम इन 1818, किसके द्वारा खोज की गई थी सांची स्तूप की, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जेम्स बर्गेस या फिर सर सर हेनरी टेलर, किसके द्वारा ढूंढा गया था बता दो जल्दी से। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बता दें भाई जल्दी से, द करेक्ट आंसर इज, मैं बता देती हूँ, सर हेनरी टेलर इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। सो 1818 में इनके द्वारा आपका ढूंढा गया था, एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम वॉज सेटअप वॉज एस्टैब्लिश इन 1919 बाय सर जॉन मार्शल, ठीक है भाई। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, ठीक है भाई। चलिए सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द जनरल अवेयरनेस जो कि आपके HAL के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि सेशन में आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है बच्चों, एंड यस कल मिलेंगे सेम टाइम पे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। जिनको चीज़ें आती हैं उनकी ब्रशअप हो जाएंगी, बाकी जिनको इफ इन केस नहीं आता है तो उनको सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए भाई, सेशन को लाइक करना शेयर करना ना भूलें, जुड़े रहें टेक्स्ट बुक के साथ, एंड यस कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रेव हो गई है, तो अपना अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।